ये बात ऐसी है, माय नेम इज अक्षयली, आई एम फ्रॉम इंडिया, चेक करो आज का व्लॉग। माय नेम इज आदित्य पुरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक मिनट लाइट ऑन कर लूं। जब भी किसी के दिमाग में YouTube चैनल स्टार्ट करने का थॉट आता है तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये होती है कि यार मेरे पास एक अच्छा DSLR कैमरा हो। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा DSLR कैमरा नहीं भी है तो भी कोई चक्कर नहीं, स्मार्टफोन से भी काम चल जाता है। और इसके बाद जो चीज़ दिमाग में आती है वो होती है साउंड, यानी कि आवाज़, कि हमारे पास एक अच्छा कैमरा माइक होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा माइक नहीं भी है तो भी कोई चक्कर नहीं, ईयरफोन से भी काम चल जाता है। और इस सबको हैंडी बनाने के लिए या फिर एक गोरिल्ला पॉड या फिर मोनोपॉड हो तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भी कोई चक्कर नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या है? आपका हाथ। तो भैया बात ऐसी है कि अभी इन दिस होल मंथ जहाँ मैंने एक भी ब्लॉग किसी कारण अपडेट नहीं किया, आई गॉट अ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीपल आस्किंग ऑन व्हाट ऑल इज नीडेड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो व्हाट ऑल आई यूज to make my vlogs and also music ke bare mein and how I edit my vlogs. So starting with the camera I use, this is Canon 750D which comes with 18-55mm macro lens and isi ke sath kuch time se main use kar raha hu Canon ka 55-250mm macro lens and ye jo lens hai this is very heavy yet very powerful lens and isko basically main use karta hu thode still shots lene ke liye, jaise ki from my previous vlog I took this shot. About the mic, अभी जो करंटली मैं यूज कर रहा हूँ वो है रोड का माइक जो कि इस समय कैमरा के ऊपर माउंट हुआ हुआ है। तो ये जो आप आवाज सुन रहे हो ये है रोड की आवाज। अब जो आप आवाज सुन रहे हो ये है मेरे पुराने माइक की जो कि है बोया कंपनी का। तो इसको अभी मैंने इसलिए माउंट किया ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चले, वैसे ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, 19-20 का फर्क है। बट आपको मैं एक्चुअल में दिखा देता हूँ कि माइक होता कैसा है। तो ये है वो बोया वाला माइक एंड इसके ऊपर जो है बड़ी फैंसी सी चीज देख रहे हैं, दिस इज द विंड प्रोटेक्टर एंड दिस इज द एक्चुअल माइक। तो ये जो है ये जो एक्स्ट्रा नॉइज है उसको लिमिट करता है एंड दिस इज व्हाट गिव्स यू अ गुड रिजल्ट। टॉकिंग अबाउट द अदर गैजेट्स दैट आई हैव, वन ऑफ माय फेवरेट दैट यू आर सीइंग एट द बैक इज द DJI Mavic Mini। सुपर कॉम्पैक्ट, वेरी इजी टू फ्लाई, दिस ड्रोन ओनली वेज 249 ग्राम्स एंड यूजुअली अगर कोई आपका एयरक्राफ्ट 250 ग्राम से ऊपर है तो वैसे आपको वो रजिस्टर करना पड़ता है फ्लाई करने के लिए, स्पेशली इन न्यूजीलैंड। बाकी जगह का मेरे को आइडिया नहीं है। ड्रोन का एज सच कोई फायदा नहीं है बट इट ओनली ब्रिंग्स मोर ब्यूटी टू योर व्लॉग एंड एन अनदर एंगल टू सी द वर्ल्ड विद। वन ऑफ माय गैजेट्स दैट आई लव टू प्ले विद इज द DJI Mavic Mini एंड अगर कोई ड्रोन खरीदने का सोच रहा है तो भैया मैं एक चीज आपको पहले ही बता दूं, फ्लाई इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। अनदर गैजेट दैट आई यूज ऑफ द DJI फैमिली इज द DJI Osmo Gimbal। This gimbal actually brings an extra stability to the footage. वो होता ना कि आप handheld footage ले रहे हो तो उसमें हल्की बहुत movement होती है, this gimbal actually gives you a smooth shot and let me tell you most of the shots that you see on the screen are taken through this Osmo gimbal. So इसके अलावा मेरे पास है एक monopod, कुछ lenses for my phone, then I have two tripods and एक ring light. But I'm pretty sure about one thing कि आप ये सोच रहे होगे यार इसने स्टार्टिंग में तो हमें ये बोला कि अगर आपके पास कैमरा नहीं है आप फोन से काम चलाओ, आपके पास माइक नहीं है आप ईयरफोन से काम चलाओ, लेकिन आपके पास तो भैया सब कुछ है तो आपके लिए बोलना इजी है। तो लेट मी टेल यू कि ये सब मैंने एक साथ नहीं खरीदा, स्टार्टिंग में मेरे पास भी कुछ नहीं था, दिस इज विद द टाइम दैट आई हैव लर्नड थिंग्स एंड धीरे धीरे करके व्हेन आई फेल्ट द नीड कि हाँ अभी इस चीज़ की जरूरत है, आई एम रेडी टू यूज दिस थिंग, मैंने ये सब सामान तब खरीदा है। तो आई सजेस्ट डोंट रश, धीरे धीरे सारी चीजें सीखो एंड देन गैजेट्स खरीदो। सो दिस इज प्रीटी मच दैट आई कैरी विद मी व्हाइल मेकिंग द व्लॉग्स। सो भैया अब आते हैं म्यूजिक सेक्शन पर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप म्यूजिक कहाँ से यूज करते हो, तो आपको वो म्यूजिक इजीली मिल जाएगा यूट्यूब पर ही। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप नॉन कॉपीराइट म्यूजिक एंड बहुत सारे म्यूजिक ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। जस्ट कॉपी द लिंक provided in their description of the creator and उसको आपको अपने description में use करना है जिससे आपको copyright claim ना आए।
उसके अलावा अगर ये लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना, यू कैन ऑल्सो गेट द म्यूजिक ऑन द यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो सेक्शन। वहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी म्यूजिक की, अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल ओवर देयर, तो आप वहाँ से भी म्यूजिक यूज कर सकते हो। सो नॉट टॉकिंग अबाउट एडिटिंग, मैंने अपने इनिशियल 4 या 5 व्लॉग्स में आई मूवीज यूज किया था, उसके बाद मुझे उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आया, सो आई शिफ्टेड टू लूमा फ्यूजन। आई डोंट नो अगर आपने उसके बारे में सुना होगा, इट इज़ अ वन टाइम पेड ऐप, बट ट्रस्ट मी दिस ऐप हैज़ गॉट एवरीथिंग दैट इज देयर इन अ प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एंड आपको अब एक और चीज़ बताता हूँ रिलेटेड टू एडिटिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मैं मैकबुक पे एडिट करता हूँ या विंडोज पे एडिट करता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आई एडिट माई व्लॉग्स आइदर ऑन माई फोन और ऑन माई आईपैड। जो मेरा खुद का लैपटॉप है वो इंडिया में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई लैपटॉप ऐसा है नहीं, ना मुझे नीड लगी, क्योंकि दिस ऐप इज एक्चुअली सॉल्विंग माई पर्पस। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट है और आपको आगे चीज़ें सीखनी है, सो आई रिकमेंड स्टार्ट विद आई मूवीज एंड देन इफ यू वॉन्ट टू गो अहेड तो यू कैन स्विच टू लूमा फ्यूजन एंड I'm pretty sure that will solve the purpose. This was pretty much from today's vlogs, and yes, these lights, camera, drone, they do enhance the quality of the vlogs, but there are people out there jo ki sirf ek normal phone se bahut tagda content bana rahe hain and bahut acha kar rahe hain, to disheartened hone ki baat nahi hai. Even if you have a normal phone with you, aap bahut acha content bana sakte ho. Mera sirf ek man tha, meri ek chahat thi ki मेरे को ये सब चीज़ें खरीदनी है, तो इसलिए मैंने खरीदी। आप लोग बस कंटेंट बनाते रहो। एंड टू सम एट ऑल मैं एक चीज़ बोलूँगा जो कि वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स उसने बोली थी कि अगर ऐसा होता है कि ये सब महंगी महंगी चीज़ों से आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता, तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट बंदा दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर होता। सो यस, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर।